हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.5 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक गांव के अंदर 400 लोग हैं और वहां हर व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूज कर लेता है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर और उसी गाँव के अंदर एक टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये दी हुई है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वॉटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चल जाएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दे रखा है गांव में 4000 लोग हैं और एक आदमी एक दिन में 150 लीटर्स पानी यूज कर लेता है। उसी गांव में एक टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये दे रखी है। ये टैंक पानी का टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये पानी इन लोगों के लिए कितने दिन तक चल जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे, वहां से हमें लीटर्स पता चल जाएंगे कितने लीटर पानी इसके अंदर आएगा। तो पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट यहां दे रखी है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारा हो गया 300 और 6, 1800 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करके टैंक में पानी कितना है ये पता चल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में होगा वाटर इन टैंक, ये हो जाएगा जितना हमारा वॉल्यूम आया है 1800 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई में 1000 लीटर्स पर मीटर क्यूब। ये रिलेशन होता है हमारे पास कि एक मीटर क्यूब के अंदर ना 1000 लीटर्स होते हैं, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करके टैंक की टोटल कैपेसिटी भी हमें पता चल जाएगी। तो 18 हो गया और ये दो और ये तीन, पाँच जीरो आ गए, 1 2 3 4 5, और अब ये लीटर में आंसर आ गया है। तो ये आ गया है 18 लाख लीटर्स। हमें पता चल गया कि इसके अंदर 18 लाख लीटर्स पानी है। अब ये पता करेंगे कि उस गांव में एक दिन में पानी कितना खर्च होता है। नाउ कंजम्पशन ऑफ वाटर, वाटर इन वन डे। अब देखिए गांव में टोटल लोग हैं 4000 और एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी को यूज कर लेता है, तो 4000 की 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, चार जीरो तो आनी ही है आंसर में, और यहां 15 4 हो गया है 60, और ये लीटर में आंसर आएगा। तो ये देखते हैं, ये बन गया है 6 लीटर। तो एक दिन में गांव में 6 लीटर पानी यूज हो जाता है। टैंक के अंदर टोटल पानी है 18 लीटर्स, तो यहाँ सिंपली पता चल रहा है 6 3 18, 3 दिन तक पानी चलेगा। अब इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिए, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे जो टैंक के अंदर पूरा पानी है यानी कि 18 लाख, और जो गांव में एक दिन की कंजम्पशन है पानी की वो है 6 लाख, इनको डिवाइड करते ही आंसर आएगा 3। ये 3 डेज है। अपना फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे, देयरफोर वाटर लास्ट्स फॉर 3 डेज, यानी उस टैंक का पानी 3 दिन तक गांव में चल जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।